जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सभी का अपना चैनल राज मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे पढ़ा था SSC MTS का प्रीफेसर क्वेश्चन सेट नंबर 7/7/2022 का प्रथम शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है सर, देखिए एक ग्राफ दिया है, इसमें पूछ रहा था Y7 में खेले गए मैचों की संख्या Y3 और Y4 में खेले गए मैचों की औसत संख्या के बराबर है। Y8 में खेले गए मैचों की संख्या Y7 में खेले गए मैचों की संख्या से 20% अधिक है, तो Y8 में टीम द्वारा कितने मैच खेले गए हैं। देखिए ये जो मेरा ग्राफ में दिया है, मैच खेले गए संख्या दिए हैं, तो कितना तक दिया है, 6 तक। Y7 और Y8 जो Y7 और Y8 निकालना है। ठीक है, Y7 में कितना संख्या होगा, जो Y3 और Y4 में दोनों मिला के इसका औसत जो होगा, तो औसत क्या होता है, किसी भी संख्या जब औसत निकालना होता है तो उसका योगफल करते हैं और बट्टा में जितना संख्या होता है उसे भाग करते हैं, और इसका हम योगफल निकालें कितना आएगा, 8 × 2 = 10, हासिल बचा 1, 4 × 2 = 6 × 1 = 7, 1 × 1 = 2, यानी 270। Y3 और Y4 का दोनों के मैचों की संख्या टोटल कितना हो गया, 270। यहाँ टोटल कितना टीम है, Y3 1 और 1 = 2, 2 है, 2 से भाग करेंगे, 1, 3, 5, 135। जो Y3 और Y4 का मेरा औसत कितना है, 135 है, तो Y7 का मान आ गया 135। और प्रश्न कह रहा है, प्रश्न जो कह रहा है कि Y8 में जितना मैच खेला है तो Y7 के 20% अधिक है, जितना मैच Y7 खेल रहा है उससे Y8 20% अधिक कर रहा है, तो 20% को हम क्या ले सकते हैं, 20% जब मान दिया रहा है तो इसको 1/5 ले सकते हैं, यानी मान देखिए जो हर मुझको मान लेते हैं, तो मान लें कि Y5 मैच खेल रहा है तो इससे 1 अधिक खेलेगा 6, जो Y8 है इससे 1 अधिक खेलेगा, तो यहाँ वैल्यू मान लेते हैं, मान लें कि Y7 है 5 मैच खेल रहा है, तो 5 की कितना वैल्यू है, 335। हमको Y8 का मान चाहिए, तो Y8 इससे 1 अधिक खेल रहा है तो यानी 6 का मान चाहिए, 6 का मान चाहिए, तो जिसका मान दिया रहा हो बटा में आएगा 335/5, जिससे आप पूछेगा उसे गुना करेंगे, इसको करते हैं 5 × 10 = 7/35, तो 27 में 6 से गुना करते हैं, 27 × 6 करते हैं तो 7×6 = 42, हासिल बचा 4, 6 × 2 = 12, अब 12×4 = 16, 162 मैच Y8 में 162 मैच खेल गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए वह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रश्न क्या करा, दो पुरुष और 5 महिलाएं एक प्रोजेक्ट को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए मान लीजिए मेरे पास जो कुछ काम करना है, कुछ काम हमको करना है, तो काम तो नहीं, काम निकलेंगे क्या करेंगे, जितना मेरा आदमी लगाएंगे, जितना वो क्षमता वगैरह और जितना समय लगा सभी का गुना करते हैं तो मेरा काम निकल जाएगा, टोटल काम निकल जाएगा। अब शुरू में हम लगा रहे हैं दो आदमी लगा रहे हैं, 2 मैन और 5 औरत, 5 महिला लगा रहे हैं, तो मेरा 8 दिन काम चल रहा है, टोटल काम कितना दिन खत्म है, 8 दिन में, तो आदमी और इसे गुना कर दिया, मैं टोटल काम निकल गया। अब जितना काम यहाँ था उतना ही काम यहाँ है, मैं काम दोनों जगह समान है, तो अब कितना है, 4 आदमी लग रहा है, 4 मैन लग रहा है और 6 वुमेन लग रहा है, यानी और महिला लग रहा है, तो मेरा 5 दिन में काम खत्म हो रहा है। शुरू में 2 आदमी और 5 महिला लगाए हैं तो मेरा 8 दिन में काम खत्म होगा, उसी जगह और यहाँ एक न लगा कर और 4 पुरुष लगाते हैं और 6 महिला लगाते हैं तो मेरा 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा, यानी टोटल काम हो गया। यह क्षमता निकले पहले गुना कर लेते हैं सभी का, दोनों का क्षमता निकल जाएगा, एम और डब्ल्यू का निकल जाएगा क्षमता, तो गुना करते हैं 8 × 16 = M + 40 W = 20 M + 30 W। अब 20 में से इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो 20 में से 16 गया कितना बचा है, 4 M = 40 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, 10
डब्लू, दो से कट रहा दो पाँच, एम बट्टा डब्लू बराबर कितना है, इधर पाँच बचा और इधर दो बचा, इन दोनों की क्षमता निकल गया। जो आदमी है एक दिन में पाँच काम कर रहा है और जो औरत है महिला है वो एक दिन दो काम करेगी, ठीक है। अब यह दोनों का मान बैठा कर हम टोटल काम निकाल सकते हैं, तो आदमी की क्षमता कितनी है दो, सॉरी पाँच, दो आदमी है और पाँच काम कर रहा है, हर आदमी पाँच काम कर रहा है और प्लस में पाँच महिला है और हर महिला दो काम कर रहा है, तो काम आठ दिन चल रहा है, यह पाँच दुनी दस और पाँच दुनी दस यानी दोनों मिला कितना है दस दस बीस, बीस गुने आठ कितना है एक सौ साठ का, टोटल एक सौ आठ जो सॉरी टोटल एक सौ साठ काम हो रहा है। अब काम तो मेरा सामान ही है, एक सौ साठ काम करना है और कितना दिन में करना है, चार दिन में करना है। देखिए तो हम टोटल काम किसके बराबर होगा, जब काम निकला है तो हम आदमी लगा रहे हैं, आदमी संख्या नहीं मालूम है, मान लें कि एक साथ में लगाए हैं और मैन की क्षमता कितना है, हर आदमी एक दिन में पाँच काम कर रहा है तो पाँच बैठा दिए, आदमी संख्या नहीं है, मान लीजिए एक से आदमी है और पाँच पाँच का हर आदमी पाँच काम कर रहा है तो चार दिन अगर काम करता है तो एक सौ साठ काम कर देता है, टोटल काम कितना दिन खत्म होती, कितना आदमी मिलकर काम चार दिन खत्म करेगा, ठीक है। यहाँ क्या कहिए थे हम टोटल काम निकालने के लिए, पहले आदमी की संख्या टोटल निकल गई थी और कितना क्षमता है और सभी का की है तो मेरा टोटल निकल गया, एक दिन में कितना काम रहा है बीस काम, आठ दिन काम चल रहा है तो टोटल काम कितना होगा एक सौ साठ काम। यहाँ भी आदमी की संख्या ले लिए एक से, हर आदमी पाँच काम कर रहा है और चार दिन हमें काम खत्म करना है यानी टोटल काम यह भी होगा और यह भी एक सौ साठ के बराबर हो गया। और इसे काटते हैं पंचों के बीस, बीस से काटते हैं तो जीरो आठ यानी एक समान आ गया आठ, आठ आदमी लगाते हैं तो मेरा चार दिन में पूरा टोटल काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, साधारण ब्याज पर 708 रुपए की राशि चार वर्षों में 944 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाती है तो 675 रुपये की राशि चार वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखिए मान मेरे पास पैसा कितना है 708 रुपया, 708 रुपये मेरे पास पैसा है, चार साल के बाद कितना हो गया 944 रुपये, ये मेरा मूलधन हो गया और ये मेरा अमाउंट हो गया, निमिशन हो गया, हो जाता है मतलब क्या हुआ उसका, जो मेरा पहला पैसा था प्लस में जो मेरा ब्याज मिला दोनों मिलाकर, तो हम और साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखें क्या होता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टा सौ, यही होता हम साधारण ब्याज यहाँ से निकालना चाहें तो क्या होगा, और 944 में से हम 708 घटा दें तो मेरा साधारण ब्याज निकल जाएगा तो 632 236 रुपये में क्या है ब्याज आया, चार साल में मेरा ब्याज कितना मिला 236 रुपये, साधारण ब्याज 236, मूलधन कितना दिया है बराबर मूलधन दिया 708 रुपये और हमको दर नहीं मालूम है तो दर को रहने देते हैं और टाइम दिया चार साल बट्टा में 100, ठीक है। अब इसे काटते हैं देखिए, और चार से काटते हैं तो पंचों के बीस नौचों के छत्तीस, चार से काटते हैं चार का चार तीन सचों को अट्ठाईस सचों को अट्ठाईस। अब इस तीन से काटते हैं तीन से कटेगा नौतीस सत्ताईस पचीस पंद्रह दो सत्तर तीन बार में, चार से काटा पच्चीस सौ पच्चीस बार में, आर बराबर क्या आ गया 25/4 ये मेरा परसेंट आ गया। अब तो यहाँ मेरा दर निकल गया और कह रहा कि अब 5% और वृद्धि कर देते हैं, दर पहले कितना था 25/4%, अब इसमें पाँच परसेंट और हम बढ़ा दें तो कितना होगा, पाँच में बढ़ाएंगे तो इसका एल सी एम कितना है चार पच्चीस पंचों के बीस, सॉरी यहाँ तीन बटा 25/3 है जैसे कटेंगे था, ठीक है। तो 25/3% प्लस 5% तो कितना आएगा 25 तो ये आएगा और 25 15 प्लस 15 दोनों जोड़ेंगे तो 40/3% ये मेरा ब्याज 5% बढ़ने के बाद मेरा ब्याज हुआ। अब देखिए
अब राशि कितना हो गया 675 रुपये, 675 रुपये राशि है और इसका मूलधन पूछ रहा है, तो इसका ब्याज हम निकाल कर जोड़ देंगे तो आसानी ही रहेगा। या तो डायरेक्ट देखिए जब बट्टा में है तो पहले ब्याज निकाल लीजिए, ना तो फिर ऐसे कीजिए थोड़ा सा लंबा जाएगा कैलकुलेशन, तो हम इससे डायरेक्ट ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन अब 675 रुपये हो गया, दर कितना है 40 बट्टा 3 और मेरा समय कितना है 4 साल, ये बट्टा में 100 आएगा, बट्टा 100 और ये काटते हैं 0 0 कैंसिल, 3 से काटते हैं 3 दुनी 6 15 5 से काटते हैं 2 बार में 5 को 20 15 25 2 से 2 8 को 45 से गुना करते हैं तो 8 5 40 8 को 32 32 32 से 2 सॉरी 32 से 4 36 360 रुपया। और हम 5 में ब्याज मेरा हम बढ़ा दिए 5% दर बढ़ा दिए तो मेरा ब्याज कितना आया 675 रुपये राशि पर 4 साल मेरा ब्याज आया 360 रुपये। हमें अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितना है 675 रुपये और प्लस ब्याज कितना है 360 रुपये, और इसे जोड़ते हैं तो 0 6 5 11 7 3 10 5 7 6 13 9 10 10 35 रुपये, जो कितना राशि हो जाएगा 675 रुपये राशि और 5 ब्याज बढ़ाते हैं सॉरी 5 रुपये दर बढ़ाते हैं तो 4 साल में टोटल कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना मिशन कितना होगा 10 35 रुपये, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है, एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए भी 19% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए जब ऐसा प्रश्न रहता है हम दोनों का एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं, तो एमपी क्या होता है अंकित मूल्य है और बट्टा में क्रय मूल्य सीपी ठीक है, इसका किसके बराबर होता है, जब एमपी का है तो 100 प्लस कितना हमको लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट बट्टा 100, सीपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट ए, अब इसका मान बैठा दीजिए निकल जाएगा देखिए, और इसका मान बैठाएं तो हमको लाभ कितना हो रहा है 100 और प्लस 19% लाभ हो रहा है तो 19 जोड़ेंगे और बट्टा में 100, हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 15%, अब किसके बराबर होगा 119 बट्टा 85, अच्छा 7 से कट रहे हैं 1700 तो 1785 1707 में, तो एम पी और सी पी का मेरा रेशियो चलाएगा कितना है 7:5। अब प्रश्न कह रहा है मेरा जो अंकित मूल्य है 840 रुपये है, जो एम पी मेरा है 840 रुपये है, तो हम पूछ रहा है सी पी क्या होगा, सी पी क्या होगा, तो एम पी किसके बराबर है 7, यहाँ मेरा 7 आ रहा है और 7 के मान कितना दिया है 840 रुपये, तो हमको 5 का मान चाहिए, जिसका मान दिया है उसके बराबर करिए एम पी मेरा कितना आ रहा है, हम जो खुद से माने थे तो मैं इसका यूनिट भी कर सकते हैं या रेसिपी में भी ले सकते हैं ठीक है, तो 7 का मान कितना है 840 रुपये, तो हमको 5 का मान चाहिए, तो 840 बट्टा 7 गुने 5, जिसका मान दिया है बट्टा में आएगा और जिसका पूछेगा उसे गुना करेंगे ठीक है, 7 से काटते हैं 7 का 7 7 14 120 120 में 5 से गुना करेंगे तो 12 50 60 600 क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया 600 रुपये ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्यों की वर्तमान आयु 8 वर्ष है तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी। देखिए अभी जो सदस्य है वर्तमान में तो 5 सदस्य है एक परिवार में, 5 के सदस्य है उसमें उसका टोटल मिलाकर उसका औसत आयु 24 वर्ष है, कितना है 24 वर्ष है,
तो जिसमें एक बच्चा भी है, एक बच्चा कितना है 8 साल का है। देखिए जब भी कोई संख्या में और समान संख्या बढ़ रहा है तो औसत में संख्या बढ़ेगा, और सभी संख्या में समान संख्या घटेगा तो औसत में भी घटेगा, और सभी संख्या में समान संख्या से गुना कर रहे हैं तो औसत में भी समान संख्या से गुना होगा। ठीक है, अब देखिए और मान लीजिए ये तो मैं वर्तमान का दिया है, और पूछ रहे जन्म के ठीक पहले यानी जन्म न हुआ तो जो मेरा परिवार बच्चा है, तो जब एक बच्चा है 8 साल का है इसे जन्म के पहले कितना है, इसको बच्चा को छोड़ा कर कितना है 4, परिवार की संख्या कितना बच गया 4 बच गया। अब 4 सदस्य है, अगर हम सभी देखिए जब 8 साल पहले की बात करें तो सभी में 60 घटेगा, 8 साल जो मेरा पहले जो उम्र था सभी सदस्य का, तो 8 साल बाद 8 साल जब बाद आया तो सभी में 8 वृद्धि हुआ, और सभी में हम घटा दें 8 सभी सदस्य में हम घटा दें तो मेरा औसत में भी 8 घटेगा, सभी सदस्यों की आयु और 8 वर्ष कम कर दें तो मेरा जो औसत है वर्तमान में उसका वो भी 8 वर्ष कम हो जाएगा, और 24 में 8 घटाएँ कितना का 16 वर्ष, इसका औसत आयु क्या है, औसत उम्र जो है वो 16 वर्ष है। अब कह रहा है कि औसत उम्र तो 16 है मगर सदस्य कितना था 5, तो 5 सदस्य का औसत उम्र 16 वर्ष है। पर देखिए ये तो मेरा 5 सदस्य का औसत दिया था, अब जो सदस्य है तो जो एक बच्चा था तो बच्चा का उम्र तो हम नहीं लेंगे, अब बच्चा कितना सदस्य है, जो शेष मेरा सदस्य बच्चा 4 साल बच्चा, एक छोटा बच्चा 8 साल का उसका हम निकाल दें बाहर थी उस जन्म का पहले थोड़ा सा जन्म का जन्म जब न लिया है तो इसका तो उम्र गिनेगा नहीं, तो अब सदस्य कितना बचेगा 4, तो 4 से भाग करेंगे। देखिए कोई भी संख्या को मेरा कोई भी संख्या है और उसका औसत दिया रहेगा, उसका योगफल निकालने क्या करते हैं, उस जो भी मेरा औसत दिया है तो औसत कितना है 16, जो भी संख्या है उसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे कितना का 16 85, यानी जो सभी सदस्य का जो औसत आयु है उसका योगफल कितना है 80 वर्ष। अब इसका औसत निकालने के लिए जितना सदस्य उससे भाग करेंगे तो भागा कितना है, अब कितना सदस्य बचा है 4, तो 4 से भाग करेंगे कितना का 20, जो शेष 4 सदस्य है उसका औसत आयु कितना था इसे जन्म का पहले 20 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।